नाउ ये सप्लाई वाली एग्जांपल तो हो गई थी ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ सर, रही हो है? गए इधर। ठीक है। अब जो एग्जाम्पल जो है, अच्छा ये टेक्निकल मीनिंग वाली बात की थी मैंने। बताएं। हेलो, नो सर, नो। यस सर, की थी वो सूप वाली एग्जाम्पल देके आपने की थी। अच्छा हाँ, वो सूट वाली, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन वाली एग्जाम्पल देके बात की थी। अब हम एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो आपके सामने थ्री एग्जाम्पल्स हैं, एफ जी और एच वाली एग्जाम्पल्स, ये इसी बात से डील करती हैं कि विद इन द लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्ड्स के टेक्निकल मीनिंग भी होते हैं और उनका पॉपुलर मीनिंग या जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग भी होता है। ऑफ कोर्स टेक्निकल मीनिंग भी डिक्शनरी में ही आता है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो आपके सामने ये जो पहली एग्जाम्पल है, किससे पढ़वाएं? एक मिनट, देखते हैं। जी जनाब, यहाँ पर जो है ये बैठे हैं कौन? आमिर, आमिर, आमिर तो सो रहा है। चलो जी, किसी और से करते हैं। जी, जीवन, जीवन भी सो रहा है। चले, फिजा है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग एग्जाम्पल नंबर एफ और वन बाय वन देखते हैं, बिकॉज दिस एक्चुअली एग्जाम्पल, इस एफ वाली एग्जाम्पल में यू विल फाइंड दैट देर आर एक्चुअली दे आर रेफरिंग टू टू सिनेरियोज, टू डिफरेंट केसेस हैं इसमें, टू सिनेरियोज हैं जिसमें इन्होंने होल्ड किया है डिफरेंटली। पढ़ें इसको जरा। In construing the word coal in a sales tax act, the court ruled in favor of the popular meaning by applying the test. What would be the meaning which persons dealing with coal and consumers purchasing it as fuel would give to that word? On this test, coal was held to include charcoal and not restricted to coal obtained as mineral. In contrast, it was said in the बाय colliery control order, the word coal will be understood in its technical or scientific sense and will be interpreted as a mineral product and बच्चे will therefore not बोलो। include charcoal. The court say, said that the colliery control order dealt with collieries and obviously therefore the term there was used as a mineral product. क्या एग्जांपल? Is this clear? एग्जाम्पल अगर क्लियर है तो प्लीज बता देना, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट जी वन। जी तो जी जी सर, मतलब क्लियर है। दोनों दोनों बातें क्लियर हैं कि कोल की। जी 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 बताएं। सर आप बता दें एक बार। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोल के दो मायना है। इफ यू लुक एट द वर्ड चारकोल इन डिक्शनरी, और आप कोल का मतलब भी डिक्शनरी में देखें, हम स्टार्ट करते हैं व्हाट एक्चुअली इज कोल, कोल का मतलब क्या है? बता सकती हैं कि कोल क्या चीज है? बताएं सर, कोयला होता है ना, कॉल जी। कोयला होता है जो जलाया जाता है। कहते नहीं, फ्यूल अरे कोयला फ्यूल होता, इस्तेमाल होता है कोई। वो तो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल, ठीक है ठीक है, वो भी होगी बात सही। अच्छा, इसके अलावा बताएं और क्या, मतलब और क्या बता सकते हैं आप कोल के बारे में? कोयला बनता कैसे है? चलें ये बताएं।
सर कार्बन एलिमेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कार्बन। अच्छा ठीक है, कार्बन एलिमेंट से बनता है, तो ये क्या कुदरती है फेज है या ये मैनमेड है? सर ये बाय नेचुरल है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अगर आप सेकंड वाली जो ओपिनियन है, इन कॉन्ट्रास्ट वाली जो बात रखें, तो वहां पर कुदरती कोयले की बात हो रही है, जो कि आपका कोयले की कानों में उगता है, बनता है, उसकी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस वर्ड कोलरी, कोलरी रेफर्स टू अ कोल माइन। तो कोल माइन, कोयले की कान में ऑफकोर्स आपको जो कोयला मिलेगा वो मिलेगा मिनरल वाला, जो जो आपका कुदरती तौर के ऊपर पैदा होता है। तो लिहाजा इस जो जो दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो दूसरी जो केस है, इसमें ये होल्ड किया गया था कि चूंकि मैटर डील कर रहा है कोयले की कानों से, तो यहाँ पे कोयले का जो मतलब है वो वाला मतलब लिया जाएगा जो कि मिनरल वाली सेंस में यूज होता है। ठीक है, जो कुदरती तौर पे जो कोयला बनता है उस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कोयले की एक टेक्निकल मीनिंग जो है उसको प्रेफरेंस दी गई। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है, अगर आप पहले वाले केस की तरफ जाते हैं जो कि सेल्स टैक्स एक्ट की बात कर रहा है, जो कि कोयले का इस्तेमाल के कोयला वर्ड यूज हुआ है इन अ सेल्स टैक्स एक्ट। नाउ सेल्स टैक्स एक्ट में जब कोयले का वर्ड यूज हुआ, तो यहाँ पे कोयले का उसका जो टेक्निकल मीनिंग है, कुदरती कोयले की तरफ खाली रेफरेंस नहीं था। ऑफकोर्स वो भी कोयले की डेफिनेशन में आती है, लेकिन इसके साथ साथ चारकोल भी आता है। नो, चारकोल क्या होता है? चारकोल बेसिकली जब आप लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने के बाद जो पीछे बचता है, जो मवाद बचता है, वट एवर इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज कॉल्ड चारकोल। अब काले काले रंग का होता है, आपने अक्सर औकात लकड़ी जलाई भी होगी या देखा होगा जलते हुए, जलने के बाद जो पीछे ब्लैक ब्लैक रंग का बचता है, दैट इज कॉल्ड चारकोल। तो चारकोल इज एक्चुअली, अगर आप कहें कि मोस्टली इसको आर्टिफिशियल कोल के डेफिनेशन में लिया जाता है, तो सेल्स टैक्स एक्ट की जब बात आई तो उसमें कोर्ट ने कहा इसमें दोनों ही चीजें आती हैं, वो भी आता है जो कुदरती तौर के ऊपर बनता है, और वो भी आता है जो आपका जो है जलाकर आप लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। गोइंग बैक, तो जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों मायने आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलर मीनिंग है और वो भी यहाँ पर अप्लाई हुई हुई है, और जो क्या कहना चाहिए, जो इसका टेक्निकल एक रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर मीनिंग है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो वाली मीनिंग भी यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गई? यस सर। नाउ अब हम आते हैं जी वाले केस के ऊपर, इसको पढ़े जरा। रीड करें फिजा। In Hardwick Game Farm versus Suffolk Agricultural Poultry Producers Association, the court held that the word poultry is construction of the phrase for use as food for cattle or poultry. In the Fertilizers and Feeding Stuffs Act 1926 does not include pheasants. The court said that the word poultry, being a common English word, should be construed in its ordinary sense, that is, the sense which an ordinary educated Englishman would attach to the word. It was pointed out that the fact that according to scientific evidence, pheasants and servant hens are ancestrally of the same species, or the fact that an American gives a meaning of poultry as including pheasants are irrelevant considerations. Now, in this example, the word in question is the word poultry. Now, what is meant by the word poultry? Now, इससे पहले कि हम इसको जरा देखें, इस पहले तो हमें पता चले poultry का मतलब क्या है? क्या है poultry का मतलब? Sir, domestic birds. फिर तो बतख भी poultry में आ गई। हैं? जी सर। बतख भी पे poultry हो गई फिर तो? सर पोल्ट्री फार्म की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उसी की बात हो रही है, पर पोल्ट्री का एक्चुअली मतलब क्या है? वो पोल्ट्री जब हम बात करते हैं तो व्हाट एक्चुअली डू वी रेफर टू? सर चिकन्स, चिकन्स की फार्मिंग। ठीक है, यहाँ तक बात तो क्लियर है, बतख नहीं आती है। डोमेस्टिक बर्ड्स इज अ वेरी लार्ज एंड लूज टर्म, तो उसमें ना जाएगी क्योंकि उसमें फिर और भी चीजें, मुर्गियों के अलावा भी चीजें आ जाएंगी। सर वो जो एग्स और मीट के लिए रखी जाती है,
अरे वो तो है बात सही, मैंने कब कहा आपको कि बात गलत कर रहे हैं, लेकिन एग्स और मीट के लिए जब हम बात करते हैं तो खाली चिकन तो नहीं आता ना डोमेस्टिक बर्ड्स में, आपका बतख भी आ जाती, बतख के भी तो अंडे खाते हैं लोग और बतख की भी तो मीट खाया जाता है। आपने ना खाया हो किसी ने तो एक अलग बात है, लेकिन लोग खाते हैं। सर फार्मिंग बर्ड्स यूज्ड फॉर मीट एंड एग्स। ठीक है फॉर मीट एंड एग्स, पोल्ट्री का मतलब आपने ये डिक्शनरी में से देखा है, ठीक है डिक्शनरी में से देखा है ना आपने? जी सर। ठीक है अच्छा, नाउ यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है जो हमारा इश्यू में है वो है वर्ड पोल्ट्री का, कौन से एक्ट में वो आ रहा है? फर्टिलाइजर्स एंड फीडिंग्स एक्ट ऑफ 1926 में। एक्ट आपका ये है जो मतलब जो इनैक्टमेंट है जिसके लिए हम जिसमें ये वर्ड यूज हुआ है और जिसकी कंस्ट्रक्शन का मसला आ रहा है कि वो ये है, और जो फ्रेज है वो ये है फॉर यूज एज फूड फॉर कैटल और पोल्ट्री। नाउ आर्गुमेंट ये एडवांस किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ दी पार्टीज, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी थी, बहरहाल उन्होंने आर्गुमेंट ये एडवांस किया था, ये पेश किया था कि पोल्ट्री के वर्ड में फीसेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, पोल्ट्री की डेफिनेशन में फीसेंट्स भी आते हैं। अब नो द क्वेश्चन इज व्हाट आर फीसेंट्स, पता है किसी को? सर ये भी एक किस्म का बर्ड होता है जो शिकार किया जाता है खाने वगैरह के लिए, फूड के तौर इस्तेमाल होता है, लेकिन चिकन के अलावा ये बर्ड है, एक बर्ड की एक्साम है। नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन फिसेंट्स का अगर आप उर्दू में नाम बता दें या सिंधी में नाम बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर जी आवाज साफ नहीं आई है। तितर किस किस ने खाया है? इतर खाया है किसी ने आज तक? जी सर खाया है। ठीक है तो जी सर लोग खाते हैं सर, डिक्शनरी में देखा है तितर और गिग पक्षी जो होता है सर, सिंधी में उसे गिग कहते हैं, वही आ रहा है। ठीक है अब ये आर्गुमेंट पेश किया गया था एक पार्टी की तरफ से कि पोल्ट्री में तीतर भी आते हैं या फीसेंट्स, उसका जो इंग्लिश है फीसेंट्स भी आते हैं। नाउ क्वेश्चन ये था कि कोर्ट ने इसको इस तरह से एड्रेस किया इस आर्गुमेंट को कि देखें पोल्ट्री का क्या मतलब लिया जाना चाहिए। नाउ पोल्ट्री का वर्ड अगर हम किसी बिकॉज इट इज अ कॉमन इंग्लिश वर्ड, और जब हम अगर किसी ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को एजुकेटेड इंग्लिश मैन को बताएंगे कि ये पोल्ट्री है तो व्हाट वुड बी हिज आंसर, वो जब हम उससे पूछे जैसे मैंने आपसे पूछा कि पोल्ट्री का क्या मतलब लेते हैं, तो उनका इमीडिएट जो कंक्लूजन जाएगा या इमीडिएटली ही विल रेफर टू कि यहाँ पर मुर्गियों की बात हो रही है। यहाँ पे जब हम सेंस लेते हैं, और इवन यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हम सबको पता है कि पोल्ट्री फार्म जो है वो मेनली मुर्गियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना? समझ रहे ना आप इस चीज को, इस आर्गुमेंट को, और इस आर्गुमेंट को कोर्ट किस तरह से रिजेक्ट कर रही है कि यहाँ पर जो वर्ड है वो जब ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को जब हम बताएंगे तो ऑफकोर्स उसका जो इमीडिएट जो आंसर है वो ये होगा कि यहाँ पर मुर्गियों की बात हो रही है, वो फीसेंट्स की तरफ मेबी 100 in 100 में से एक बंदा जो है वो चला जाए उस तरफ, लेकिन वो मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से उस तरफ जाएगा। लेकिन मोस्टली जो मेजोरिटी मोर देन 99% लोग जो है वो जाएंगे इस तरफ कि यहाँ पे मुर्गियों की बात हो रही है। तो ये जिन्होंने पार्टी ने ये आर्गुमेंट एडवांस किया था उनका एक दो उनकी ये थी इसमें जो है बेसिस थे ये आर्गुमेंट एडवांस करने के, फीसेंट्स भी पोल्ट्री में इंक्लूडेड है। पहला उनका आर्गुमेंट ये था के जो तीतर हैं और जो मुर्गियां हैं एक्चुअली इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। अगर इनकी वो आप पीछे पीछे उसकी हिस्ट्री में चले जाएं, इनकी डेवलप होने की हिस्ट्री में चले जाएं, तो उनका कहना ये था कि दीज टू स्पीसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो लिहाजा इस वजह से उनको इसमें फीसेंट्स को भी पोल्ट्री में इंक्लूड किया जाए। दूसरी बात ये कि उन्होंने किसी अमेरिकन डिक्शनरी का हवाला दिया था, दिस इज एन इंग्लिश केस बाय द वे, जिसपे उन्होंने किसी अमेरिकन डिक्शनरी का हवाला देकर बात की थी कि किसी अमेरिकन डिक्शनरी में भी पोल्ट्री की मीनिंग में फीसेंट्स आते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया ऑन द बेसिस के जो ऑर्डिनरीली मीनिंग जो लिया जाता है, मोर लेस आप इसको पॉपुलर मीनिंग भी कह सकते हैं, वो ये है कि पोल्ट्री में सिर्फ मुर्गियां आती हैं। तो इस बेसिस के ऊपर कोर्ट ने उनका जो आर्गुमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया था। Is this example clear? Yes, sir. बाकियों को क्लियर है? जी सर क्लियर है।
ठीक है, तो अगर आप जी जी कहें बताएं, कोई चीज नहीं समझ में आई प्लीज। हेलो सर, यस सर बोला था। ठीक ठीक है। अच्छा देखिए, इफ यू लुक एट दिस, इस केस को भी देखें और पिछले वाले केस को भी देखें, तो यहाँ पे यू विल फाइंड के कभी कभार ये होता है कि जो पॉपुलर मीनिंग है और जो ऑर्डिनरी मीनिंग है वो कभी कभी एक चीज भी हो जाती है, और कभी इट समटाइम्स आल्सो बिकम्स डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली तौर के ऊपर ये जो तीन चार लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं ऊपर पैराग्राफ्स में आपको नजर आएगा कि ऑर्डिनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, लिटरल मीनिंग, समटाइम्स दे मीन द सेम थिंग, लेकिन सर्टेन केसेस में मेरे ख्याल में इस केस में तो आई थिंक नहीं है इतना, लेकिन इन सम केसेस यू विल आल्सो फाइंड के ऑर्डिनरी मीनिंग और पॉपुलर मीनिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर मुझे कोई केस मिल जाएगा, मैं देखूंगा मेरे पास जो मटेरियल है या किताबों में देखूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन देर आर सर्टेन सिनेरियोस जहां पे आपको ऑर्डिनरी मीनिंग और पॉपुलर मीनिंग में भी डिफरेंस नजर आएगा। तो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इज वेरी थिन, यू नेवर नो कि कब ये दोनों चीजें एक ही होंगी और कब ये दोनों जो है फर्क भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब हम चले जाते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल की तरफ, नंबर एच की तरफ। जी पढ़े Anwin versus Hansen, the core meaning of the words waste and skin said, if the act is directed to dealing with matters affecting everybody generally, the words used have the meaning attached to them in the common and ordinary use of language. If the act is one passed with reference to a particular trade, business or transaction, and words are used which everybody conversant with this trade, business or transaction knows and understands to have a particular meaning in it, then the words are to be construed as having that particular meaning, though it may differ from the common or ordinary meaning of the words. For instance, the waist or skin are well-known terms as applied to a ship, and nobody would think of their meaning, the waist or skin of a person, when they are used in an act of parliament dealing with ships. Clear? नो सर, क्लियर नहीं है। ठीक है, वर्ड्स आपको पता है कौन से की बात हो रही है? सर वेस्ट और स्किन की। इनका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है? सर वेस्ट तो वो पेंटी वगैरह होते हैं कुछ। एब्डोमेन का ऐसा होता है, वेस्ट और स्किन तो हमारी स्किन होती है। मतलब कमर और क्या? क्या होती है? स्किन तो हमारे जो खाल है, वेस्ट जो है वो एब्डोमेन का हिस्सा होता है, वेस्ट कहते हैं। ओके, नाउ कमर को वेस्ट कहते हैं। तो दिस इज विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी, राइट? यस सर, ये जनरली तो ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस से लग रहा है, पर इसमें शिप के रेफरेंस दे दिया है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है कि जब ह्यूमन बॉडी की जब मैटर जनरली हर किसी के हवाले से डील करके बात हो रही है, तो यहाँ पर इट इज टू बी अंडरस्टूड इन द कॉमन एंड ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, के ऑर्डिनरली तौर के ऊपर, ऑर्डिनरली स्पीकिंग, वेस्ट एंड स्किन भी रेफर का मतलब यही है जो बताया आपने, खाल और एब्डोमेन का पार्ट जो है, जो कमर का हिस्सा होता है, वो आपका वेस्ट और स्किन में आता है। लेकिन जब वो चीज आप विद रेफरेंस टू शिप्स के तौर पर बात करेंगे, कश्तियों के हवाले से अगर कोई इनैक्टमेंट है, और ऑफ कोर्स ये जो केस है ये कश्तियों के हवाले से ही केस है, और इस केस में अगर कश्तियों के हवाले से बात हो रही है, शिप्स के हवाले से बात हो रही है, तो शिप्स में वेस्ट कौन सा पार्ट है शिप का, वो आपको फिर उस सेंस में यूज करना होगा, और स्किन कौन सा पार्ट है शिप का, वो आपको उस सेंस में यूज करना होगा। तो कोई भी यहाँ पर जो है वो वेस्ट और स्किन का जो है वो जनरल मीनिंग नहीं लेगा, वो यहाँ पे उनका स्पेसिफिक जो टेक्निकल मीनिंग है वो उसको उस सेंस में यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। जी सर। तो ये तीन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। नो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो एग्जांपल है सच जिसमें हमें ये बताया दिखाया जा सके कि वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है और उनका लीगल में क्या होता है। मैं ये भी देख लेता हूँ, अगर ये कोई मिल जाए तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा।
तो बहरहाल ये तीन एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड्स का यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग भी है और उनका टेक्निकल मीनिंग भी है जिसको कोर्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट करती है. क्लियर हो गई है ये? यस सर. ठीक है. नाउ अब इसी का ये कि एक सब टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ये कहता है कि इफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आर प्लेन और उनको इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है तो दे आर केपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग. तो जैसे कि आपने पिछले वाले टॉपिक्स में देखा है, पिछले टॉपिक में देखा है और लेजिस्लेटिव मीनिंग में भी देखा है कि अगर लफ्जों के मायने क्लियर हैं, दे आर प्लेन एंड अनएम्बिगुअस, तो रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो, आपको उसकी इंटरप्रिटेशन वैसी ही करनी है. बिकॉज इफ यू गो बियॉन्ड द मीनिंग, प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो फिर देन यू आर क्रिएटिंग अ सी ऑफ हर्डल्स फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द लेजिस्लेशन एज वेल. तो ये जो आप, अगर आप पहली वाली ऑब्जर्वेशन पढ़ें तो आपको इसका आइडिया होगा. कॉन्ट्ररी टू कॉमन सेंस हो, एब्सर्ड हो, हार्श हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज द वर्ड्स, इफ यू फील एज अ जज के द वर्ड्स आर केपेबल ऑफ ओनली वन मीनिंग, so then you must interpret them. There is no need to give them any other interpretation apart from the one jo ke uska jo plain meaning hai uske alawa koi aur interpretation karne ki there is no need at all. So let's look at this observation. Isko padhe zara kya kehta hai, padhe Fiza. Where by the use of clear and unequivocal language capable of only one meaning, anything is enacted by the legislature. It must be enforced, however harsh or absurd or contrary to common sense the result may be. ठीक है. Do you understand the effect of this observation? Yes, sir. यहाँ पर regardless of the consequences, whether those consequences are harsh, whether those consequences are absurd, whether those consequences are contrary to common sense. तो कल जैसे कल बात कर रहा था कोई कॉमन सेंस के ऊपर, कॉमन सेंस के खिलाफ बात चली, डजंट मैटर, हु केयर्स अबाउट कॉमन सेंस. जो भी रिजल्ट आता है, जज साहब को लगा कि इंटरप्रिटेशन जो है इसकी जो है वर्ड्स की वो प्लेन मीनिंग अप्लाई होगा यहाँ पे, तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो अप्लाई निकले, वो तो फिर उनका काम है ना करना. क्लियर हो गई बात? यस सर. दूसरी भी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. दूसरी, एक मिनट, ये दूसरी वाली भी देखें जी, पढ़ें दूसरी वाली. According to Viscount Simmons LC, again and again it has been insisted that in construing enacted words we are not concerned with the policy involved or with the results, injurious or otherwise, which may follow from giving effect to the language used. तीसरी वाली भी पढ़ दें. Lord Asher said, if the words of an act are clear, then you must follow them even though they lead to a manifest absurdity. The court has nothing to do with the question whether the legislature has committed an absurdity or not. ये observations clear हैं आपको? जी सर. ठीक है. ठीक है, चलें अब इसका जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस केस. नंबर बी वाली एग्जांपल पढ़ें. इन आरवी हैरिस, द डिफेंडेंट बिट ऑफ द नोज ऑफ हिज विक्टिम, द स्टैट्यूट अंडर व्हिच ही वाज चार्ज्ड मेड इट एन ऑफेंस टू स्टैब, कट अ वुंड. द कोर्ट हेल्ड दैट अंडर द लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन द एक्ट वाज ऑफ बिटिंग, biting did not come within the meaning of stab, cut or wound, as these words implied an instrument had to be used. Therefore, the defendant's conviction was quashed. समझ में आया? जी सर. नहीं सर, आप बता दें. यस सर, आ गया. किसको नहीं आया समझ में? सर, मुझे नहीं है. और किसको समझ में आ गया? Who has understood it? Yes.
जिनको आया है वो बता दे प्लीज। सही है, स्टेब कट और वून की जो इंटरप्रिटेशन है वो उन्होंने स्ट्रिक्टली ले ली जैसे वो उनकी मीनिंग है। तो उसमें जो बाइटिंग वाला जो केस था जिसमें किसी ने बाइट किया था, तो उस बाइटिंग वाले एक्ट को उन्होंने जो है डिसरिगार्ड कर लिया इसकी मीनिंग से ही। फिर आगे स्टेब कट और वूंड में इसकी बाइटिंग जो है उसकी वो नहीं होते, सर्कमस्टेंसेस फुल नहीं होते। क्यों सर बाइटिंग? अब उन्होंने कहा क्योंकि तो अपने उन्होंने प्लेन सेंस में लिया, उन्होंने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए, उन्होंने उससे दांत अपने यूज किए हैं। सर वाउंड में तो आ जाता है वाउंड, तो आप सर बाइट करेंगे तो वाउंड में तो क्वेश्चन ये है जी बताएं सर, उन्होंने लिटरल अप्लाई किया हुआ है। हेलो जी सर, उन्होंने लिटरल रूल अप्लाई किया हुआ है, सिंपली जो उन्होंने फ्रेज लिया हुआ है ना, तो स्टेप कट और वाउंड, तो उन्होंने हेल्ड किया हुआ है कि जो वर्ड है बाइटिंग सर वो इसमें नहीं आती, क्योंकि अगर हम वाउंड को भी देखें तो सर वाउंड में बहुत बड़ा बंदे को जख्म आ जाता है और बाइट में सिर्फ सिंपली निशान ही रह, मेरे उसने एक्सक्लूड कर दी। आपको जो मैं क्यों का जो सवाल कर रहा हूँ वो इसका जवाब ये है कि क्यों उन्होंने क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए जी। क्वेश्चन है इसके दांत जो है वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। नाउ अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, कोर्ट का कहना ये था कि दांत जो है वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आते, दैट इज वाई, क्योंकि ये जो फ्रेज है अब गलत है सही है अभी इससे कंसर्न नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट जो कोर्ट उस वक्त जो फैसला कर रही है वो ये कर रही है कि दांत जो है वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते, लिहाजा नो ऑफेंस हैज बीन कॉज्ड एज पर दिस लॉ। ठीक है ओके सर, क्योंकि ये जो लॉ है ये रिक्वायर कर रहा है कि आप यहां पर कोई औजार इस्तेमाल करें। क्लियर? क्लियर ठीक है, इसको यहां तक रखते हैं क्योंकि लेस देन वन मिनट है, तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है सर।